नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, ये यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, आप कह सकते हैं एक ऐसे स्टॉक की जो निवेशक बहुत बहुत ज्यादा अपने आप को फ्रस्ट्रेट फील करता है स्टॉक पे, वो खास करके वो निवेशक जो काफी लंबे समय से इस स्टॉक में निवेशित हैं, क्योंकि इस स्टॉक ने सिवाय निगेटिव रिटर्न्स के कुछ भी नहीं दिया है दोस्तों। और जब मैं बात करता हूं नेगेटिव रिटर्न्स की, तो आप देखिए पिछले 6 महीनों में स्टॉक नेगेटिव 13%, जनवरी से अभी तक 19% ज्यादा नेगेटिव। और वो निवेशक जो एक साल पहले निवेशित थे स्टॉक में, उनकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। स्टॉक में 25-26% की नेगेटिव रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है। बात करें पिछले 5 सालों में, तो ये स्टॉक ने 5 साल दोस्तों 35% की नेगेटिव रिटर्न दिया है। और अगर ऊपरी स्तर से आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि स्टॉक ने 53% ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। तो भाई अब इसमें हो क्या रहा है, या आप कह सकते हैं कि इसमें अब आगे निवेशक को करना क्या है, क्योंकि आज आप देखेंगे तो वापस से स्टॉक्स में आप कह सकते हैं ऊपरी स्तरों से ये प्रेशर झेल रहा है और वापस से गिरावट शुरू हो गई है। तो क्या ये गिरावट बहुत लंबे समय तक जारी रहेगी? क्या ये गिरावट स्टॉक को वापस से आप कह सकते हैं जो उसने लो बनाया था 450 के आसपास का, वहां लेके जाएगी, या स्टॉक अब कंसोलिडेट करके एक नेक्स्ट रैली की ओर जाएगा? इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, मुझे लगता है बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव ये वीडियो होने वाली है। लेकिन गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए लगभग 2:30 बजे दोपहर जब मैं वीडियो बना रहा हूं और स्टॉक 1.5% के आसपास की निगेटिविटी दिखा रहा है, ठीक है। और मुझे लग रहा है स्टॉक के लिए अगर मैं बात करूं लेवल्स की, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल दोस्तों दो है। क्या स्टॉक 510 को बचा के में कामयाब रहेगा, क्योंकि अभी 510 एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अमर राजा के लिए दोस्तों, ठीक है। तो ये तो बात हुई भाई लेवल्स की, अब बात करते हैं स्टॉक में चल क्या रहा है। देखिए प्रॉब्लम आपको पता है पिछले 2 सालों की, सिर्फ और सिर्फ कह लीजिए पैंडमिक आया, तो जो कह लीजिए डोमेस्टिक डिमांड है वो कह लीजिए गायब सी हो गई थी, ठीक है। जो कमोडिटी के प्राइसेस हैं, जो उसके लेड है, लेड के प्राइसेस इतने ज्यादा ऊपर हो गए कि इनपुट कॉस्ट बढ़ गए। क्रूड ऑयल इतने शानदार तरीके से शूट अप हो चुके हैं पिछले 6 से 8 महीने में कि इनके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अदर कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई। ओवरऑल डिमांड में कमी, मार्जिन में प्रेशर, स्टॉक को ऊपरी स्तरों से बहुत ज्यादा गिरावट दिखा चुका दोस्तों, ठीक है। और अब अमर राजा बैटरी में आप देखिए स्टॉक में एक कह लीजिए बीच में जो गिरावट हुई थी, उसके बाद से काफी हद तक कंसोलिडेशन शुरू हो गया है, लेकिन आज वापस से आप देखेंगे तो स्टॉक गिरावट दिखानी शुरू कर दिया है। अब बात करता हूं भाई क्या करना है आगे। तो देखिए मैं अगर यहां लेके जाऊं आपको, आप देखिए इस आर्टिकल को, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अक्रॉस सेगमेंट। देखिए जो क्वार्टर ऑन फाइनेंशियल 23 आया ना, वहां पर रेवेन्यू 39% बढ़ा ईयर ऑन ईयर, और ये मुझे लगता है एक काफी ज्यादा रिवाइवल का संकेत है कि भाई शायद अब रिवाइवल आने वाला है इस स्टॉक में, ठीक है। लेड बाय रोबस्ट डिमांड फ्रॉम आफ्टर मार्केट, ओईएम एंड इंडस्ट्रियल बिजनेस। और जो रेवेन्यू ग्रोथ देखी दोस्तों, ये कह लीजिए आप जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, इंडस्ट्रियल बिजनेस है, वहां से आई, यानी इकोनॉमी ठीक ठाक काम कर रही है। कंपनी की बूस्ट रेवेन्यू में 39% ईयर ऑन ईयर, ये काफी हद तक पॉजिटिव लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस को स्टॉक की कर रही है। देखिए वॉल्यूम ग्रोथ स्टेबल इन द यूपीएस एंड टेलीकॉम बिजनेस एंड रजिस्टर्ड डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ। यही नहीं दोस्तों, जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो काफी हद तक स्टेबल दिखाई दी यूपीएस में, और जो टेलीकॉम बिजनेस दोस्तों उसने डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ का रजिस्टर किया, यानी आप देखिए काफी हद तक ऑल राउंड परफॉर्मेंस थी है। और इसीलिए बाजार को स्टॉक में अब कुछ उम्मीद नजर आ रही है। लेकिन देखिए लेकिन हायर रॉ मटेरियल प्राइसेस, सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स एंड इंक्रीज इन फ्राइट कॉस्ट इन सेलेक्ट एक्सपोर्ट मार्केट हैव नेगेटिवली अफेक्टेड द मार्जिन एंड देयर बाय पैट मार्जिनली ग्रू बाय 6% ईयर ऑन ईयर। देखिए रेवेन्यू 39% बढ़ा ईयर ऑन ईयर, लेकिन आप समझिए कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिनली है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी जब टैक्स वैक्स सब हटा करके, वो केवल 6% बढ़ा। रीजन मैंने आपसे बताया, जो रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस थे, जो सप्लाई चेन प्रॉब्लम थी, जो फ्राइट कॉस्ट यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना दोस्तों, उसका कॉस्ट इतना ज्यादा था कि 39% के बावजूद रेवेन्यू आपका बढ़ा है, आप
प्रेशर इतने फेस किए कि केवल जो रेवेन्यू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा पाए वो केवल 6% बढ़ा। और करेंटली जो लेड प्राइस है दोस्तों वो 19% लोअर है टू इट्स हाई ऑफ 175 kg इन अप्रैल इन फाइनेंशियल 22। मैंने आपको बताया ये लेड एसिड बैटरी में बहुत ज्यादा काम करती है दोस्तों, और ऐसे में लेड के काम दाम कम आना ये काफी अच्छी रहेगी। और देखिए द डिमांड सिग्नल पॉजिटिव अक्रॉस ऑल सेगमेंट एंड बिलीव रिस्पाइट इन कमोडिटी प्राइस एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन टू लिमिट मार्जिन डिग्रेडेशन। ठीक है, अब देखिए जो लेड है वो भी डाउन हो गया उसके प्राइस, तो ये कंपनी को इनके जो मार्जिन जो इतने ज्यादा डेंट किए हैं उसमें काफी हद तक हेल्प करेगा। और क्योंकि देखिए जो रिवाइवल है, जो बिजनेस रिवाइवल है, जो आप कहते हैं डिमांड रिवाइवल है, वो तो साफ साफ आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही थी इनके मार्जिन में जो कि अब ठीक ठाक दिखाई देगी। क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी आप देखेंगे तो $90 प्रति बैरल के नीचे चले गए थे एक टाइम में, अभी शायद उसी के आसपास ट्रेड कर रहे हैं $95 के आसपास, तो यानी यहां से भी कुछ पॉजिटिव देखने को मिल रही है। ठीक है, आगे अगर हम चलेंगे दोस्तों आप पाएंगे इनकी जो स्ट्रेटेजी दोस्तों टू पावर न्यूअर मोबिलिटी, तो देखिए अमर राजा लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन कैपेसिटी एक्सपेंशन इज इन लाइन विद द फ्यूचर डिमांड फॉर 2 and 3 wheeler एंड 4 wheeler। देखिए अमर राजा बैटरी आने वाले समय में जो एक्सपेंशन कर रही है उनमें उनका फोकस 2 wheeler, 3 wheeler और 4 wheeler है, और कंपनी ने दोस्तों लॉन्च किया है सेवरल स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव टू टेक एडवांटेज ऑफ फास्ट इमर्जिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज टू एक्सेलरेट ग्रोथ बोथ इन द लिथियम आयन एंड अदर न्यू एज केमिस्ट्रीज दैट आर इनेबलिंग एक्सेलरेटेड ट्रांसफॉर्मेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए कंपनी को भी पता है कि मार्केट किस तरह से चेंज हो रहा है, और अच्छी बात यह है कि कंपनी मार्केट में जो चेंज आ रहा है उसके साथ कैचअप तो कर रही है, लेकिन साथ ही साथ जो उसका मेन स्ट्रॉन्ग बिजनेस है उसे नहीं छोड़ रहे दोस्तों। तो ये चीज मुझे लगता है स्टडी आने वाले समय में काफी फायदा देगी। 2 wheeler 3 wheeler ये इसके ऊपर कंपनी काफी हद तक ध्यान दे रही है, और देखिए कंपनी ने एक आउटले भी रखा है $1 billion का फॉर द सेम। ठीक है, और करेंटली देखिए पायलट प्रोजेक्ट विद रिगार्ड टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म इसरो इज प्रोग्रेसिंग एज पर द शेड्यूल, और कंपनी जो पायलट प्रोजेक्ट चला रही थी दोस्तों टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो होने वाला था इसरो के साथ, ये भी अभी काफी जो शेड्यूल है उसे के हिसाब से काम कर रहा है विदाउट एनी डिले। ठीक है, एंड स्टार्टेड सप्लाइंग लिथियम बैटरी पैक एंड चार्जर्स टू 3 wheeler एप्लीकेशन। आपको मैं बता दूं कि जो 3 wheeler है दोस्तों वो इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे ज्यादा है, और अमर राजा का भी फोकस वहीं पर है, और इसीलिए जो टाई अप किया इसरो के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का किसके लिए, बैटरी पैक के लिए, लिथियम आयन के लिए, वो जिसको एक चार्जर दे सकते हैं एंड चार्जर, ठीक है, लिथियम बैटरी पैक और चार्जर 3 wheeler के लिए। और देखिए कंपनी प्लान कर रही है सेटअप अ गीगा फैक्ट्री इन द नियर टू मीडियम टर्म फॉर लिथियम बैटरी, और देखिए गीगा फैक्ट्री भी कह लीजिए कंपनी कह रही बात कर रही है कि हम भी लगाएंगे, और टारगेट रेवेन्यू रखा गया 1 billion इन फाइनेंशियल 23 में। यानी आप देखेंगे तो कंपनी काफी हद तक सीरियस है, और अब मुझे लग रहा है दोस्तों कि कंपनी के जो सबसे बुरे दिन थे वो लगभग जा चुके हैं, और स्टॉक प्राइस में अगर गिरावट थोड़ी बहुत होती भी है किसी भी रीजन के कारण, क्योंकि बाजार बहुत ऊपर जा चुके हैं और इसमें गिरावट होती है, तो अब आप बहुत आराम से एक्यूमुलेट अभी भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, डिस्क्लोजर के रूप में मेरी खुद की पर्सनल होल्डिंग स्टॉक में है, तो यदि आपको मेरी ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।